वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के रबी उत्पादन कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश डॉक्टर अजीत प्रकाश श्रीवास्तव ने अवगत कराया कि गत खरीफ में 95.92 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के सापेक्ष 96.26 लाख हेक्टेयर फसलों का आच्छादन किया गया है। समय से वर्षा होने के कारण धान सहित खरीफ फसलों की स्थिति काफ़ी अच्छी है, जिससे अच्छे उत्पादन की संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि आगामी रबी के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 129 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में आच्छादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए 49.5 लाख कुंटल बीजों एवं 36 लाख टन उर्वरकों की आवश्यकता होगी, जिसकी विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। रबी अभियान के संबंध में शासन द्वारा की गई कार्रवाइयों का विवरण देते हुए अपर मुख्य सचिव कृषि डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि वर्तमान समय में शासन द्वारा कृषि कार्यक्रमों के समक्ष क्रियान्वयन के लिए कई निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने पराली प्रबंधन करने तथा उन्हें न जलाने के लिए उच्चतम न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT के निर्देश के अनुरूप त्वरित एवं सख्त कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। कहीं भी पराली जलाई न जाए बल्कि उसका प्रबंधन किया जाए। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा कृषि विपणन एवं अन्य सुधारों के बारे में किसानों को अवगत कराने तथा उनसे लाभान्वित करने के लिए जानकारी देने का निर्देश दिया। प्रमुख सचिव पशुपालन दुग्ध विकास एवं मत्स्य भुवनेश कुमार ने पशुपालन एवं दुग्ध विकास इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत निर्धारित कार्य मदों के सापेक्ष क्रियान्वयन करने तथा पशुपालन विभाग की योजनाओं से किसानों को लाभान्वित कराने पर बल दिया। प्रमुख सचिव उद्यान BL मीणा ने बताया कि प्रदेश में आलू के बीजों की पर्याप्त उपलब्धता है, उन्हें किसानों को समय से उपलब्ध कराकर बुआई कराई जाए। इसके अतिरिक्त उद्यान विभाग के अन्य योजनाओं तथा खाद्य प्रसंस्करण योजनाओं का उल्लेख करते हुए प्रसंस्करण इकाइयों की ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापना कराने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए। गोष्ठी में मंडलायुक्त जयंत नालिकर, प्रभारी जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, संयुक्त कृषि निदेशक हरेंद्र कुमार, उप निदेशक कृषि संजय सिंह सहित उद्यान पशुपालन सहित विभिन्न विभागों के मंडलीय अधिकारी मौजूद रहे। जनपद का उत्पादकता बढ़ सके, कृषि उपज वृद्धि में बीजों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रबी में कुल 49.5 लाख कुंटल बीजों के वितरण का लक्ष्य रखा है। हमने बीजों की विशेष व्यवस्था की है और 2 लाख कुंटल अतिरिक्त बीज हमने पाइपलाइन में रखा है, जो कि LFT के पास उपलब्ध है। आवश्यकता पड़ने पर ये बीज भी हमको उपलब्ध हो जाएगा। एक इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले समय में ये गेहूं और मसूर जो ऐसी फसलें हैं जो प्रकृति जानने का नाम है, बहुत ज्यादा जोर कर दिया है जमीन पर। जिलाधिकारी गणों से अनुरोध है कि अपने निर्देशन में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की तैनाती करें और उचित भूमि तथा फसलों हेतु जो निर्धारित। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वर्ष हमने PPP मोड पर प्रति विभाग और कंपनियों से एक लागू किया गया है, जिसमें खासतौर से मैं उदाहरण दूंगा अच्छी जनपदों में निर्वेतन पर महिलाओं के सहभागिता पर तथा मार्केटिंग पर कार्य करने का जरूरी हो गया है और ये कार्य कर रहे हैं। इसी तरीके से एसडीएम फाउंडेशन देखा जा सकता है। मैं चाहूंगा कि आप लोग ऐसे मॉडल अपने क्षेत्रों में विकसित करें, किसानों को DBT के माध्यम से सुविधाएं योजनाओं के माध्यम से दी जा रही है, जिससे ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि किसानों के खाते में DBT की धनराशि समय से अंतरित हो जाए, जिसमें अनावश्यक विलंब ना हो। COVID-19 की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रचार प्रसार के कार्यक्रमों को जैसे गोष्ठी, प्रशिक्षण, कृषक वैज्ञानिक संवाद आदि कार्यक्रमों को निर्धारित लक्ष्यों को सोशल डिस्टेंसिंग एवं आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूर्ण कराए। वर्तमान खरीफ कटाई के उपरांत प्रति हेक्टेयर की तैयारी किसान भाई करेंगे। मेरा विशेष अनुरोध होगा कि किसान भाई फसल अवशेष न जलाए, अपितु उसका प्रबंधन करें। इस हेतु सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत फार्म मशीनरी बैंक
कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना, सहकारी समितियों, गन्ना समितियों, कृषक उत्पादक संगठनों एवं पंचायतों के माध्यम से कराई गई है। किसान भाई यहाँ पर उपलब्ध फसल अवशेष प्रबंधन संबंधी यंत्रों का उपयोग करें और उसका लाभ उठाएं। फसल अवशेष प्रबंधन से सदा स्वास्थ्य सुधार होता है, पर्यावरण की सुरक्षा होती है और साथ ही साथ फसल की समय वृद्धि होती है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि फसल अवशेष जलाने पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान भी निर्धारित है। 2 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों के लिए 250 रुपए प्रति घटना, 2 से 5 एकड़ की भूमि वाले किसानों के लिए 5,000 रुपए प्रति घटना तथा 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले कृषकों के लिए 15,000 रुपए प्रति घटना दंड का प्रावधान किया गया है। फसल अवशेष जलाने की घटना की पुनरावृत्ति होने पर कारावास का भी प्रावधान है। फसल पराली प्रबंधन में तैयार की गई रणनीति के अनुसार जिला प्रशासन के सहयोग से सभी अधिकारीगण अपने जनपद में पराली प्रबंधन पर कड़ी नजर रखें और घटनाएं संज्ञान में आने पर नियमानुसार तत्काल प्रभावी कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। आप सभी से अनुरोध है कि भोजन से ही जीवन है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए रवि ने कृषि उत्पादन हेतु अपना योगदान दें। धन्यवाद। धन्यवाद।